हेलो बोला करो के हाय हाय करे जाओ भाई। आज पहली बार मम्मी की फैन मिली है। अरे तुम रोहित की बात तो मार जाओ। जब तन्ने चार गुब्बारे लगाए हैं तो चार अपनी मैं दूंगी। और आपको एक बात बताऊं, सच सच 1.5 साल इतना ही मेरा, ये देख लो एक शादीशुदा आदमी का ये हाल हो जाता है। हेलो गाइस, वेलकम टू माय व्लॉग और आपका स्वागत है कनिका राणा व्लॉग चैनल पे। और आज का जो व्लॉग होगा वो फैंस स्पेशल होगा। जितने भी फैंस में से दूर दूर से मिलने आते हैं वो सबको मिलवाती हूँ मैं आप सबसे आज। ये देखो गाइज, अभी अभी जस्ट मैं शॉप पे आई थी और मौसी ने ये फिर चिट्ठी की तय वो तेरे अंकल ले गए, उन्होंने उठा ली थी। अच्छा जी, पता नहीं क्या है, मैं सफाई करूँ थी ना तो जेब में उठा ले गए तो ये चिट्ठी व्हाट्सएप करी। कोई छोड़ के गया अपूर्वा, कोई नहीं फिर मिलेंगे स्कूल से आते वक्त मिल लेना। भाई आंटी सुबह सुबह आ गई थी, शायद शॉप भी ना खुली थी ना तब से। और अब देखो अब टाइम कल तक फोन करवाया था। अच्छा कहाँ रह गए? और अब देख लो 12:09 हो रखे हैं, 12:10 नू कह तेरा प्यार खींच लाए। बहुत अच्छे लग रहे हैं ऐसे हाथ मत जोड़ो। आंटी की सास भी, आंटी की सास की आंटी की बहू भी लड़ना बंद की है जित की मैं बहू हूँ। उसका पियर है, तेरा सासरा है। भाई मानवी से मिलो, कहती मेरे पास फोन नहीं है पर मेरे को व्लॉग में ले लो या फोटो ले लो। अब व्लॉग में आ गई है मानवी। हाय बोल दो सबको। तेज बोले हाय। मम्मी नु कह तेज बोल। और मेरी मम्मी नु कह कर हाय मन्ना बोले करो, हेलो बोला करो के हाय हाय करे जाओ। एक और आई हुई लड़की है। भाई आज पहली बार मम्मी की फैन मिली है। नु बोली कनी का पा दे मम्मी के ला फोटो। वेरी नाइस खिंचवाली दोनों बन लागो। भाई हमारा छोटा फैन है, बहुत ज्यादा शर्माने लग रहा था। आज फैन स्पेशल वीडियो है, हाय कर दो। हेलो करो, ये मन्ना शर्माओ। अच्छा आज सारा फैमिली स्पेशल आने लग रहे हैं, आज चिल्लर चिकारे आने लग रहे हैं दुकान पे। कैसी लगी, मतलब कैसी लगी कनिका कलेक्शन? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। इनका अभी भी सूटों में ही ध्यान है। भाई इनको बहुत मुश्किल से पसंद करवाया, ये थोड़ा कम पसंद करती है। मम्मी ने कहा इनकी छाती है जो लेकर आ रही है। कोई नहीं, अभी नई नई शादी हुई है ना।
नहीं आज 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 भी डल सकता है, कल भी। अगर मेरा सुबह का व्लॉग पूरा हो गया नू समझ लियो तब से वो आज ही डल जाएगा। अभी हमारा डिस्कशन चल रहा था ये व्लॉग आज का या कल का। भाई मेरी तमन्ना वो जो बस चल रही है मेरी जिंदगी, और आज की जो मेरी वीडियो वो फैन स्पेशल है कि कितनी दूर दूर से लोग स्पेशली कनिका कलेक्शन सुन के आ रहे हैं। थैंक यू। भाई यामिनी ये गिफ्ट लेके आई है, और अभी अभी एक आंटी आई है। अच्छा चटनी जो स्पेशली मौसी अरताई लेके आई है। भाई मिठाई अकनी का तो लग ही रहा है, पर इनकी मेहनत ना दिखती है ना। सच में स्पेशल काम किया आपने, सच में। अच्छा हाय, अच्छा और भी था चौथा इंसान, देखिए गोनी में नीचे बैठी थी। आ जाओ आ जाओ। तो गाइज अभी घर आई ना तो रोहित ने रूम लॉक कर रखा था एक घंटे से। फिर रोहित ने मुझे सरप्राइज दिया हैप्पी एनिवर्सरी का। और आपको एक बात बताऊं सच सच, जब आज हमने व्लॉग डाला ना और उस पर कमेंट्स आए कि हैप्पी 5 मंथ्स एनिवर्सरी, हमें तब रियलाइज़ हुआ कि आज 4 तारीख और आज हमें 5 महीने हो गए हैं। रोहित रियलिटी है ना ये झूठा कति सभी झूठ बोल रहे हैं। तो ये चीज़ थी एक, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। हमें भी याद नहीं था हमें याद दिलाने के लिए, हमारे हमसे इतना कनेक्ट होने के लिए कि बिल्कुल बस लव यू है। और दूसरी ये चीज़ गाइस, आज हमने मम्मी का चैनल खोल दिया है। मम्मी के चैनल पे पहली रील मेरी और मम्मी की है। मम्मी के चैनल का नाम है सुंदरी। एज यू गाइज नो, मम्मी का हमने सुंदरी नाम रख रखा है, और @SheilaSundari उनका यूज़र नेम है। लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, तो जाके उनका चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। गाइस इतना बढ़िया डेकोरेशन करया यार, हर एक चीज़ करी, देव खाना दिया है कनी का। पालक पनीर है। डट्या घर है, पालक पालक पनीर दिखा भाई किधर तुमने, देखियो। कुछ भी। कितनी तेज है यार कनी का तुम। कुछ भी। अरे तुम रोहित की बात तम आ जाओ। बात तुम तू देख ले ले, मैंने पनीर दिखा। देख देख पनीर की साइड। मैंने पनीर दिखा। पनीर की साइड। ले ले एक पनीर, यो पनीर हो है। देख एक पनीर, दो पनीर, तीन पनीर, चार पनीर। इसने ये वाला काम कर दिया, जब तन्ने चार गुब्बारे लगाए हैं तो चार पनीर मैं दूंगी। पांच पनीर दिए हैं 5 महीने के एनिवर्सरी पर। यो कौन करा रहा है यार, 5 मंथ एनिवर्सरी, 5 महीने की एनिवर्सरी पर 5 पनीर। और क्या दिन की तय और कर दे, कह दे करी है कदे जो ये काम अकर्ण। तो देख लो भाई 5 पनीर के साथ हम अपना खाना स्टार्ट कर रहे हैं। मम्मी की मेरे लेने लगी भाई कनिका की। खाना हमेशा अच्छे पाला खाना चाहिए, वास्तुशास्त्र से रिलेटेड बात कर। ईब तो होली एनिवर्सरी, कुछ पढ़े जाओ। ईब एनिवर्सरी होली से कुछ पढ़े जाओ। एनिवर्सरी का अर्थ था वो इंदर यार, लग रहे हैं देख ले, वो लग रहा यार, वो ना कितना ऊपर लग रहा यार, आर ले खड़ी है ले। थंबनेल में काली हो यार जागा। तो अभी इस व्लॉग को मैं अभी यहीं पोज देती हूँ, कल मिलते हैं सुबह आपसे, ठीक है, बाय बाय। तो गुड मॉर्निंग गाइज, आ गई हूँ मैं, और इस व्लॉग को कंटिन्यू करते हैं। अभी क्या हुआ था, रोहित ने मेरे से कुछ क्वेश्चंस पूछे थे 5 मंथ्स की एनिवर्सरी को, सो के उठ का आई हूँ। और रोहित अभी भी बेड पे लेटा हुआ है। तो आज हम रोहित से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे जिनका आपको आंसर मिलेगा, मतलब ठीक है करती हूँ गेट बंद, बाहर से आवाज आ रही है। तो क्या आप रेडी हो रोहित के जवाब सुनने के लिए? हाँ अच्छा, हाँ मैं तो
ठीक है मेरा नाइट सूट रो इतना इतना टोक दिया मेरा जी ना करता इन्हें पेरेंट का मैं एक दो दिन के अंदर या तो ऑर्डर करने वाली हूँ या लेके आने वाली हूँ जल्दी से तो रोहित जी का रहा कैसा रहा आपका शादी का 5 महीने का एक्सपीरियंस 5 महीने का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा पर भाई जो 5 महीने में होया मेरी गल वो सबसे बुरा तो ये है कि मेरी जिम छूट गई पेट निकल गया दोनों के यार ना कि शादी के बाद पेट निकलता निकलता है बाबा सच्चा ही है पेट लगड़ा है भाई लगड़ रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर मतलब जिनकी शादी अभी तक नहीं हुई है तो उनको आप क्या कहना चाहते हो मैरिड लाइफ से रिलेटेड मत करिए कर रही हो शादी एट योर ओन रिस्क अरे शादी के मतलब ऐसा भी है कि तुम्हें फायदे भी हैं बहुत शादी के क्या शादी के फायदे ऐसे कि तुम्हें एक ऐसा पार्टनर मिल जाएगा कि तुम उससे हर एक चीज शेयर करोगे और वो पार्टनर तुम्हारे अच्छे में भी और बुरे में भी सही कर रहेगा ये तो मेरा आंसर कॉपी कर दिया अरे मतलब नहीं उस तरीके से कह रहा हूँ मतलब हर उस तरीके से तुम्हारे साथ रहेगा वो हाँ ऐसा अगर आप मान लो एक सिंगल चाइल्ड हो मम्मी रहती घर पे तो मम्मी और उसके बीच में फिर वो प्यार बट जाएगा तो वो चीज़ें भी बैलेंस करनी पड़ती हैं बहुत सारी चीज़ें हैं अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन मतलब आपके साथ ऐसा क्या हुआ इन 5 महीने में जो आपने नुकियो मत करियो एट योर ओन रिस्क करियो ऐसा क्या हुआ बता तो दिया भाई जो बहू और मम्मी में जो बैलेंस है ना यो मेंटेन करना एट योर ओन रिस्क है तो भाई अपना सोच समझ कर करियो अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन इन 5 महीने में ऐसी कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा याद है आपको मेरा पेट लग रही है ढंग का आंसर एक्सपेक्ट करती है ऑडियंस सबसे अच्छी चीज क्या याद है सबसे अच्छी चीज याद है मेरे को भाई इन 5 महीनों में अच्छा मेरे डेली होता रहा कुछ ना कुछ अच्छा यार तो बहुत सारी चीजें हैं ऐसी मतलब 5 महीने में ऐसा कुछ भी नहीं है शुरू हुई थी एकदम दिमाग में क्लिक किया हो सिंगापुर का सिंगापुर गए दो टाइम स्पेंड किया अच्छा और बुरा क्या हुआ जो जिसको बुलाना चाहते हो बुरा तो यही है कि वैसे पेट मेरा थोड़ा एक बार मेंटेन हो जाए और जिम चालू हो जाए मैं डेली सुबह सुबह जिम में जाऊंगा जिम में जाऊंगा पर डेली सुबह जाऊं अरे यार ये जिम ऊपर जाया जा सारे 8 हो गए अच्छा एक साइड आपका दुबई का ट्रिप रखा हो और दूसरी साइड 2 दिन का अकेले पापा के साथ अलोन टाइम स्पेंड जिसमें आप दुख सुख की सारी बात बताओ तो कौन सा है पापा के लिए आई एंजॉय विद माय फादर उन्होंने मेरा पापा के लिए कल तो ये लोग स्टोर पे थे तो मैं पापा घर पे थे भाई तो भाई पापा की चाय बनाई हम बैठे पापा तो हमने नुआ बात करी हमने दुख सुख की पापा से पूछी कि आप क्या करते थे ऐसे इस सिचुएशन में तो भाई एक्सपीरियंस मतलब ऐसे गेन करना चाहिए उनसे पूछना चाहिए कि आपने कैसे टैकल किया इस सिचुएशन को तो ऐसी ऐसी बातें करो भाई वे थर का बर्थडे है उनका होती भी रहा है अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक रहा बता रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन मान लो फुटेज की बात नहीं है मेरे को भी तो आपके मन की बात बात चल पता चल रही है सारा मेरा 5 महीने मेरी गई अच्छा तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहोगे मतलब कैसे बैलेंस मेंटेन करें सास और बहू में अगर मान लो आपको पता चल रहा है किसी की गलती है तो आप क्या करोगे उस सिचुएशन में और लोगों को क्या सजेस्ट करोगे कि उनको क्या करना चाहिए सबसे मेन बात देखो भाई माँ देखो ठीक है बहू दूसरी भी आ जाएगी अच्छा तो अपनी बहू ने समझा अच्छा मतलब ऐसे ऐसे क्या करो जो मैंने किया है मतलब हम दोनों के बीच में ऐसी अंडरस्टैंडिंग्स है कि भाई कुछ चीजें ऐसी होती है कि भाई बड़े नहीं समझ पाते और अगर हम उनको समझाएं तो वो नहीं समझते क्योंकि यार वो एक तो भाई एक थिंकिंग का फर्क हो जाता है
एक एज फैक्टर हो जाता है कि भाई उनकी एज में ऐसे होता था ऐसे होता था, तो कुछ चीजें होती है कि भाई वो नहीं समझते, तो हमें समझना पड़ता है। तो ये चीजें देख के ही आदमी को टैकल करना पड़ेगा। वो बोला भाई वो क्यों नहीं समझ रहे, मतलब अगर तुम बिल्कुल प्रैक्टिकल हो गए तो तुम्हारी नैया डूबेगी, 100% डूबेगी। तो बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा, कुछ वहाँ पे समझाना पड़ेगा, कुछ यहाँ समझाना पड़ेगा, और बीच में वकील वाला काम तो मुन्ना करना पड़ेगा। ठीक है, अब बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन, क्या आपको लग रहा था कि आपकी कनिका राणा से शादी होएगी? लग रहा था। अच्छा, शादी से 2 साल पहले। 2 साल का? 2 साल नहीं, 6-7 महीने पहले। 1.5 साल, इतना ही मेरा। ये देख लो, एक शादीशुदा आदमी का ये हाल हो जाता है। बने गए थे मतलब ब्याह ही सोच लो, दोस्त बनते हैं। क्लेवर फॉक्स। चलो ठीक है, बाय बाय कर दो। बाय बाय गाइस, सुबह सुबह उठते इंटरव्यू हुई होगी, जिंदगी में पहली बार किसी गल होया होगा ना, तो मुंह धो रखा यार। ओके, बाय 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 टाटा।